उदयनिधि के विवादित बयान पर गृह मंत्री ने किया पलटवार, कहा दो दिन से कर रहे हैं देश का अपमान। मराठा आरक्षण पर विरोध किया, आज संगठनों का बंद, प्रदर्शनकारियों से आज मिलेंगे सीएम। G20 पर चीन पाक के ऐतराज को प्रधानमंत्री ने किया खारिज, कहा देश के हर हिस्से में बैठक स्वाभाविक। यूपी के राज्य मंत्री सतीश शर्मा का शिवलिंग के पास हाथ धोने का वीडियो वायरल, विपक्ष ने घेरा। एक देश एक चुनाव की दिशा में सरकार का एक्शन, 8 सदस्यों वाली टीम से अधिरंजन का किनारा। उमा भारती ने कहा जनाशीर्वाद यात्रा में निमंत्रण नहीं मिला, अब दिया गया है तो मैं नहीं जाऊंगी। मध्य प्रदेश के दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। दिसंबर तक आए कि ज्ञान वापसी सर्वे पर एएसआई की रिपोर्ट, जिला अदालत से मांगी गई 8 हफ्ते की मोहलत। यूपी के बाराबंकी में 4 मंजिला इमारत ढह गई, अब तक 2 लोगों की मौत। एएमयू के जैन मेडिकल कॉलेज में हुई फायरिंग, कैंटीन संचालक से फिरौती की मांग। बारामूला में लश्करे तैयबा के सहयोगी 2 आतंकी गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री बरामद। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन के दौरे पर, महाकाल की पूजा का कार्यक्रम। पारा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किया रेड शो, खुली गाड़ी में रोड शो माफ कीजिए, और खुली गाड़ी में निकले बाबा ने स्वीकार किया अभिवादन। बाढ़ के मुआवजे को लेकर किसान यूनियंस का आज पंजाब में धरना, पुलिस रख रही है नजर। एयरफोर्स के फाइटर प्लेन त्रिशूल आज से शुरू करेंगे एक्सरसाइज। बनारस की तरफ अयोध्या में सरयू पर चलेगा क्रूज, 7 सितंबर को होगा इसका उद्घाटन। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए जैसलमेर पहुंची वसुंधरा राजे, पूजा अर्चना की। लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नीलकांतन ने दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च के कमान संभाली। भारत नेपाल के बीच में एशिया कप का मैच आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मैच। पाकिस्तान में मैच देखने के लिए पीसीबी की ओर से आया न्योता, आज पाकिस्तान जाएंगे राजीव शुक्ला। कर्नाटक के कलबुर्गी में तेज बारिश से डूबे मंदिर, दीवार गिरने से भेड़ों के झुंड की मौत। मंडी के झगोली टनल के पास भारी भूस्खलन, रास्तों से मलबे को हटाने में जुटा प्रशासन। चेन्नई में हुई भारी बारिश, सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। केरल में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, 7 सितंबर तक बारिश की संभावना। हिंगोली में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, बारिश से किसानों को मिली राहत।